फ्लाइट डिले होने पर पायलट को थप्पड़ मारने वाले इस शख्स का वीडियो तो आप सबने देखा ही होगा। अभी भाई साहब आईपीसी 323, 341, 290 और एयरक्राफ्ट रूल के सेक्शन 22 के तहत कई केसेस झेल रहे हैं। लेकिन क्या फ्लाइट डिले की कंडीशन के कोई नियम नहीं है? देखिए, इस इंसिडेंट के बाद न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर फ्लाइट में 2 से 4 घंटे का डिले होता है तो एयरलाइंस की ओर से सभी चेक इन पैसेंजर्स को मील एंड रिफ्रेशमेंट विद प्रायर नोटिस, अगर फ्लाइट में 4 आवर्स का डिले है तो फुल रिफंड का ऑप्शन देना होगा, अगर फ्लाइट में 24 आवर्स का डिले है तो पैसेंजर्स को होटल एकोमोडेशन, अगर फ्लाइट 24 आवर्स के अंदर कैंसिल होती है तो ओरिजिनल डिपार्चर टाइम के 2 आवर्स के भीतर अल्टरनेट फ्लाइट ऑप्शन या फुल रिफंड, और अगर ये भी नहीं हो पाता है तो पैसेंजर्स को मॉनेटरी कंपनसेशन, जैसे कि 3 आवर्स डिले के लिए 5,000, 4 से 12 आवर्स डिले के लिए 10,000 और 12 आवर्स प्लस डिले के लिए 20,000 देना होगा। हालांकि DGCA के रूल्स के मुताबिक एयरलाइन कंट्रोल से बाहर के सर्कमस्टेंसेस जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स एंड फ्लड जैसे अदर सर्कमस्टेंसेस में लागू नहीं होता है।